बिग बॉस 16 के बाद फिर नजर आएंगे प्रियंका और अंकित साथ में, रोमांस करेंगे फैंस को इम्प्रेस। सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 16 खत्म हो गया है, लेकिन इस रियलिटी शो से जुड़े तमाम सेलेब्स अभी तक लाइमलाइट में हैं। इस शो की ट्रॉफी को एमसी स्टैन ने अपने नाम किया। वहीं शिव ठाकरे और प्रियंका चौधरी रनर अप रहे। इस शो में प्रियंका और अंकित गुप्ता की जोड़ी खूब पॉपुलर हुई। फैंस दोनों को एक साथ देख कर खुश होते थे, तभी तो दोनों को सोशल मीडिया पर प्रियंकित नाम दिया गया। वहीं अब इस जोड़ी के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रियंका और अंकित एक बार फिर से स्क्रीन पर साथ लौट रहे हैं। प्रियंका और अंकित गुप्ता की जोड़ी सबसे पहले सीरियल उजारिया में नजर आई। इस शो में दोनों को काफी पसंद किया गया, जिसके बाद दोनों बिग बॉस 16 में धमाल मचाते नजर आए। वहीं बिग बॉस के एक फैन पेज ने दावा किया है कि अंकित गुप्ता और प्रियंका एक साथ में म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों ने हाँ भी कर दी है और जल्द ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। इस खबर ने दोनों के फैंस को काफी खुश कर दिया है। कई फैंस ने लिखा है कि वो दोनों को साथ में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। प्रियंका चहर चौधरी जब बिग बॉस 16 के घर के अंदर थी, तब ये दावा किया गया था कि प्रियंका को शाहरुख खान की फिल्म डंकी ऑफर हुई है और ये सब सलमान खान की वजह से हुआ। कहा यह भी गया था कि इस रियलिटी शो के बाद वो इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर देंगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। पिंक विला की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रियंका को ये फिल्म ऑफर नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर किए जाने वाले सारे दावे गलत हैं। हालांकि ये दावा जरूर किया गया है कि प्रियंका के हाथ सलमान खान की कोई एक फिल्म जरूर लग सकती है। वेल, आप प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता को एक साथ देखने के लिए है कितना एक्साइटेड, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।